हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज जो सर। है हम करेंगे ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जूरिस प्रूडेंस का। अभी जैसे आपका एग्जाम जो है वो ट्यूसडे को है, और ये मुझे लगता है फाइनल ही है कि आपका ट्यूसडे को ही एग्जाम होगा। अभी तक तो मतलब इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया है, और एग्ज़ाम हमारा ट्यूसडे को है। तो ट्यूसडे 18 तारीख को मुझे लगता है एग्ज़ाम फाइनल है आपका। तो अभी आपके पास 3 दिन है, तो 3 दिन में उस तरीके से प्लानिंग से पढ़ें कि 3 दिन में ये सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और आपका पूरा सिलेबस भी हो जाए। क्योंकि आप इफ एंड बट वाला कोई सीन मुझे लगता नहीं कुछ है, क्योंकि लास्ट मंडे बचा है सिर्फ एग्ज़ाम से पहले। वैसे CCS है अनएक्सपेक्टेड, तो पूरा ये एक दिन पहले भी नोटिस आ सकता है, पर चांसेस बहुत कम है उसके आने के। आज तक था कि सैटरडे तक कोई नोटिस आएगा तो आ सकता है, लेकिन अभी सैटरडे जो है काफ़ी कवर हो गया और कोई नोटिस अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई नोटिस आएगा नहीं। तो अभी कोई नोटिस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिलहाल की कंडीशंस में हमारा एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल है ट्यूसडे को ही। तो अब पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं जूरिस प्रूडेंस का, काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, आज कर रहे हैं हम लोग। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दो लाइबिलिटीज होती हैं, तो जो हमने टॉर्ट में पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है बताइए एक बार, जिसको भी पता है। सर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि हमें एक ऑफेंस, जैसे कोई ऑफेंस हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें हमेशा एक डिफेंस मिलता है कि हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था, ड्यू केयर था, ड्यू कॉन्शियसनेस के साथ काम किया था, लेकिन वो गलती हो गई तो एज अ एक्सक्यूज हमारे ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी। लेकिन एज पर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, हमने चाहे जितना प्रिकॉशन लिया हो, चाहे जितना ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन रखा हो, चाहे जितना अच्छा गुड फेथ हो, लेकिन अगर गलती होगी तो वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिस्टेक्स। ये तो आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि भाई मेरी गलती नहीं है तो मैं नुकसान क्यों भरूं। जब आदमी कहता है ना भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो फिर लॉस मैं क्यों बियर करूं, जबकि नुकसान मेरा हो गया। तो जिसने नुकसान किया है वो मेरी गलती की भरपाई करेगा। अगर कोई एग्जाम्पल आप में से कोई उदाहरण दे सकता है इसका, तो एक एग्जाम्पल देके एक बार और एक्सप्लेन करो कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। सर, बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी का होगा कि जैसे कि ओलियम गैस लीकेज का भी केस हमने पढ़ा था। कोई गैस लीक कर गई फैक्ट्री में से, हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था इसको अच्छे से रखने में, प्रिजर्व करने में, लेकिन स्टिल अगर गलती हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे टू बेयर द कॉस्ट बोथ फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर द पर्सन एंड सोसाइटी दोज हु आर इफेक्टेड। अब ओलियम गैस वाला तो दिल्ली का केस था, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें दो कंडीशन बनती हैं। जैसे एक कंपनी जो है वो गैस का यूज़ करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग में, उसके पास कोई सिलेंडर या कुछ तरीका गैस को प्रिजर्व करने का है, उसने अपने पूरी सेफ्टी से प्रिकॉशन से गैस रखी हुई है अपने फैक्ट्री के अंदर, प्रिजर्व की हुई है गैसेस को। अब किसी कारण की वजह से ये जो गैस है ये लीक हो जाती है, और लीक सिर्फ इतनी होती है कि जो फैक्ट्री के अंदर अंदर जो वर्कर्स हैं उन्हीं को इफेक्ट करती है सर। मतलब उसमें से वर्कर जो होते हैं कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो वर्कर को इफेक्ट होती है। बाहर नहीं जाती है गैस, मतलब फैक्ट्री की बाउंड्री से बाहर नहीं लीक कर पाए, उससे पहले कंट्रोल हो गई। तो इस केस के अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनेगा, मतलब वर्कर जो है वो मालिक के ऊपर डाल सकते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या नहीं डाल सकते। सर केस बनना चाहिए, बनेगा। और किसी का कोई ओपिनियन? सर केस बनेगा, इसमें वर्कर्स ओके ठीक मालिक पे ही डालेंगे सर। है। एक चीज है इसके अंदर, जब हम अपनी कंसर्न दे देते हैं, जब किसी खतरे के अंदर हम अपनी कंसर्न दे देते हैं और हमारी कंसर्न की वजह से वो खतरा जो है उठाने के लिए मतलब खतरा हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इसकी लायबिलिटी होती है उसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की तरह क्लेम नहीं कर सकते।
रीजन ये है कि जितने भी वर्कर वहाँ काम कर रहे थे उन सब वर्करों को ये बताया कि ये जो कंपनी है वो गैस का यूज़ करती है, उनकी प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, और कभी भी गैस लीक होने से उनको नुकसान हो सकता है, फिर भी वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई गैस लीकेज होती है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस नहीं बनता। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तीन एसेंशियल्स होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं आगे आके आपको तीनों एसेंशियल्स भी इसके बता दूंगा क्या होते हैं। तो ये आपको, और इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिस कंडीशन में, पांच एक्सेप्शंस हैं इसके, उस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है नुकसान तो वो बेयर नहीं करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एक इसके डेफिनेशन, एक इसका एसेंशियल्स, और एक इसका एक्सेप्शंस। अगर ये तीनों चीज़ें समझ लेते हैं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो केस है वो आपको करेक्टली समझ में आता है। आप बैठे बेसिकली हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसमें मेरा मेरा कोई गलती नहीं है लेकिन मुझे नुकसान बेयर करना पड़ रहा है, तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी। भाई मैंने कुछ नहीं किया तो मैं नुकसान क्यों बर्दाश्त करूं, ये तरह से हम कह सकते हैं इसके लिए, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ी थी कि मैंने गलती किया तो मैं ही नुकसान भरूंगा उसका, तो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन, इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो ये वो लाइबिलिटी होती है जिसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहते हैं। इसका बहुत फेमस केस है जो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये केस हुआ था 1868 में, इंडिया के अंदर ही हुआ था, तब वहाँ पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तब की बात है। तो ये केस बड़ा फेमस है, इसका माइलस्टोन केस भी, और आज तक इसको यूज़ किया जाता है एज रेफरेंस केस। तो ये इसके डेफिनेशन हो गई, वो लाइबिलिटी जो नो फॉल्ट की वजह से पैदा होती है। अब इस लाइबिलिटी को प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब तीन इसके एसेंशियल्स हैं, जो अगर आप प्रूफ कर देते हैं तभी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनेगा। जो अभी इसके, मुझे जस्टिस का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, एब्राहम है पता नहीं, एब्लम ऐसे कुछ जज का नाम है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, जिन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ये इसी केस से निकला है। तो इसी ब्लैक बर्ड, इसी ब्लैक क्या नाम, बर्ड, हाँ ब्लैक बर्ड। ब्लैकबर्न। तो ये जैसे इसने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और इसी से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ है। तो अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं, तीन एसेंशियल बताए गए हैं। डेंजरस थिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो खतरनाक हो। दूसरा एस्केप, उसका एक्सेप्शन हो रहा हो, मतलब वो बढ़ के दूसरे की प्रॉपर्टी तक पहुँच के उसको नुकसान पहुँचा रही हो। तीसरा नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, आपने नेचुरल यूज़ नहीं किया लैंड का, नॉन नेचुरल यूज़ किया है। इसको तीनों को समझेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो हमें पता लग गया क्या होती है, डेफिनेशन समझ। अब इसके हमने तीन में, सबसे पहले हम जिस केस से पैदा हुआ है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसी केस से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जन्म हुआ, यहीं से शुरुआत हुई है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है वो केस कुछ ऐसा है कि इसमें जो रेलैंड है, जो पटिशनर है, रेलैंड के एक कोल माइन है, उसका कोयले की एक माइन है। इसने क्या किया हुआ था कि कोयले के मान की माइन की खुदाई करता था जमीन के नीचे। तो इसके पड़ोस में फ्लेचर का लैंड है, उससे पहले वो किसी और का लैंड होगा। तो जब अपनी माइन खोदता है तो उसके नीचे तक ये पहुंच जाता है, और ऐसा तीन चार बार इसने कर दिया, मतलब माइन के एक ही जगह कोयला निकालने के तीन तीन चार चार इसने रास्ते बना रखे। अब फ्लेचर इस जमीन को खरीद लेता है, फ्लेचर भी अपनी एक फैक्ट्री यहाँ पे लगा देता है। उसकी फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ था, मतलब काफ़ी यूज़ होता था। तो वो ये सोचता है कि मैं एक रिजर्वर बना देता हूँ उस डैम की सहायता से, फिर मैं बिजली यहाँ पर जनरेट करूँगा, और वो बिजली मेरी माइल्स में काम आ, मेरी मिल्स में काम आ जाएगी। माइल्स नहीं, मिल्स है, उसकी मिल्स है, किसी भी चीज़ की मिल हो सकती है। अब यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं है कि मिल किस चीज़ की थी, पर बहुत सारी मिल्स होती थी, आटा मिल, शुगर मिल, कोई मिल होगी उसकी। तो इसने क्या किया, एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, बोला कि मुझे रिजर्वर बनाना है, वाटर रिजर्वर बनाना है, टैंक बनाना है। उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम कैसे बनाओगे ये तुम्हें देखना है, मुझे सिर्फ फाइनली बना के दे दो टैंक। उसने फाइनली टैंक बना के इसको सौंप दिया फ्लेचर को। फ्लेचर ने टैंकर मंगा के पानी भर दिया उसके अंदर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसने एक चीज़ की गलती ये कर दी, उसको ये पता नहीं था, या पता होते हुए भी उसने गलती कर दी कि बगल में जो है वो माइंस है। तो माइंस होने की वजह से हो सकता है नीचे भी माइंस ने खोद रखा हो, मतलब उसने अपने माइंस को इतना फैला रखा हो कि उसके लैंड के नीचे भी आ रहा है, तो वो नीचे से थोड़ा सा उसको मजबूत कर ले ताकि पानी जो है वो टैंक में कब भरा जाए तो वो लीक होकर उसके माइंस में ना चला जाए। उसने ये गलती कर दी कॉन्ट्रैक्टर ने। इसने टैंकर बुला के पानी भर दिया उसके अंदर, और पानी जब भर दिया तो वो माइंस में लीक हो गया पानी।
क्योंकि बहुत देर तक होल्ड करने की कैपेसिटी थी। उसके बाद वो लीकेज हुआ तो उसके कोल माइंस में पानी भर गया। उसके उसके कोल माइन में जितने रास्ते थे उसमें से मान लो चार रास्ते थे, दो रास्ते में पानी भर गया, तो उसकी वजह से उसका सारा जो कोल था वो ख़राब हो गया माइंस का। तो इसने तुरंत क्या किया, रेलैंड ने केस डाल दिया फ्लेचर के ऊपर कोर्ट में। बोला कि भाई मेरी तो गलती नहीं है ना इसमें, तो मेरा कोयला क्यों ख़राब हुआ, तो नो फॉल्ट लायबिलिटी बन जाती है और ये जो है फ्लेचर ये इसका भुगतान करेगा। तो फ्लेचर ने इसके बदले में, रिस्पॉन्डेंट था, डिफेंडेंट था, उसने ये बोला कि मेरी क्या गलती है, मुझे थोड़ा पता था कि इसकी माइंस मेरे लैंड के नीचे भी आ रही है। दूसरा, मैंने वाटर रिजर्व अपने लैंड में बनाया। तीसरा, मैंने तो बनाया ही नहीं, मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। अगर कुछ गलती भी हो गई बनाने में, मिस्टेक भी हो गई, जैसे पानी लीक हो गया, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए लाइबल होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उस समय जस्टिस जो भी थे उन्होंने बोला कि हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बताते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति ने गलती नहीं की तो उसको नुकसान झेलने का भी कोई राइट नहीं बनता, वो नुकसान नहीं झेलेगा। तो इसमें तीन चीज़ें बताई इन्होंने, तीन प्रिंसिपल बता दिए जिसके ऊपर ये बेस है। पहला प्रिंसिपल, डेंजरस थिंग, कोई भी ऐसी काम अगर आप करते हैं जो दूसरे के लिए डेंजरस होता है तो उसकी लाइबिलिटी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। दूसरा, एस्केप, आप अपने लैंड में काम कर रहे हैं लेकिन आपके लैंड में बढ़कर वो चीज़ दूसरे के पास जाकर उसको नुकसान पहुंचा रही है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने अपने लैंड के ऊपर एक पेड़ पेड़ मतलब पेड़ एक पौधा लगा दिया। पौधा था सफ़ेदे का, वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बड़े होके वो पेड़ हवा चली तो गिर गया और गिर के वो पड़ोसी के छत के ऊपर गिर गया और पड़ोसी की छत टूट गई उससे। तो पड़ोसी आपसे नो फॉल्ट लायबिलिटी मांग सकता है। अब वहाँ पे ना तो आपने हवा चलाई थी ना आपने पेड़ को गिराया, लेकिन फिर भी आपके लैंड का पेड़ उसके लैंड तक पहुँच गया, तो ये आपकी क्या हो गई, एस्केप हो गया, यानी कि उसने आपके लैंड को तोड़कर दूसरे के लैंड में एंटर कर लिया, तो आप उसके लिए लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार हो गए। तीसरा इसका प्रिंसिपल होता है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए। अब जैसे इसने जो था वो रिजर्वर बनाया, तो रिजर्वर की कैपेसिटी वहाँ पे थी नहीं, वो नदी या तालाब ऐसी कोई चीज़ थोड़ा थी वहाँ पे नेचुरली। इसने ऐसी चीज़ बिल्ड करने की कोशिश की अपने लैंड के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ हो गया लैंड का। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बन गया इसके ऊपर। अब हम एक एक लाइबिलिटी को एक एक एग्जाम्पल या केस लॉ की तरह समझेंगे। पहला है डेंजरस थिंग, इसमें बड़ा ही फेमस केस है चैटी वर्सेस कैटर। ये स्पेलिंग लिखना चाहो तो लिख लो, बाद में सर्च कर लेना इस केस को गूगल पे। CH EE TTE चैटी वर्सेस कैटर, CAETER। इस केस के अंदर हुआ ये था कि एक व्यक्ति ने अपने लैंड के अंदर कुछ जहरीले पौधे लगा दिए, पॉइजनस ट्री प्लांट कर दिए अपने लैंड में। वो जो ट्री थे वो बड़े हो गए, बड़े होके उस ट्री ने क्या किया, अपने पत्ते शाखाएं जो थी वो पड़ोसी के लैंड की तरफ फैला दी। पड़ोसी के पास एक जानवर था, वो डॉग ही था या कोई बकरी थी, कोई जानवर था, उस जानवर ने वो पत्ते खा लिए और वो जानवर मर गया। मर गया तो पड़ोसी ने यानी कि कैटर चैटी ने कैटर के ऊपर केस कर दिया। चैटी जो था प्लेंटिफ है, कैटर जो है वो रिस्पॉन्डेंट है, डिफेंडेंट है, डिफेंडर है। तो चैटर कैटर का लैंड था वो जिसे पॉइजनस ट्री थे और चैटी के एनिमल ने उसको खा लिया। वो एनिमल बकरी या फिर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर, और बनेगा रीज़न ये है कि जो पहला एसेंशियल है डेंजरस थिंग वो उसने कर दिया, क्योंकि उसने अपने लैंड का इस्तेमाल कैसे करा, एक जहरीले पौधे को लगाने के लिए कर लिया। और दूसरा प्रिंसिपल जो है एस्केप का, वो भी पूरा हो गया, उसका पेड़ उसके लैंड को क्रॉस करके पड़ोसी के लैंड तक पहुंच गया, तो एस्केप भी हो गया। तीसरा नॉन नेचुरल यूज़, अब ये जो पौधा था ये जंगली तो था नहीं जो अपने आप पैदा हो गया, ये तो उसने खुद लगाया अपने इंटेंशन से जानबूझ के। तो ये भी तीनों प्रिंसिपल जहाँ पूरे हो जाते हैं वहाँ पर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, लॉ लग जाता है। तो चैटी वर्सेस कैटर के रोल में मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसके ऊपर जो है वो जो भी नुकसान उसका हुआ उसकी भरपाई का केस दे दिया उसको। ठीक है, अब दूसरा जो एस्केप वाला प्रिंसिपल है उसके लिए हम एक केस समझ लेते हैं। यह है आपका मिसेस रीड वर्सेस लेओंस एंड कंपनी। जो ये मिसेस रीड है, ये रीड वाली स्पेलिंग ही है, REED रीड, और लायंस जो है, लेओंस जो है वो LYONS है, एंड कंपनी का केस है ये। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉय काम करते थे,
उस कंपनी में कुछ ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता था जो केमिकल्स थे जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते थे। ये एम्प्लॉयज़ को ही पता था कि इस तरह के जो मटेरियल हैं वो ब्लास्ट होके कभी भी फट सकते हैं। एक बार मिस हैंडलिंग की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ब्लास्ट हो गया कंपनी के अंदर। उस ब्लास्ट का असर सिर्फ इतना था कि कंपनी की बाउंड्रीज के अंदर ही इफेक्टेड रहा, बाहर नहीं फैल पाया। मतलब बाहर के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बाउंड्री के अंदर जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोगों की इंजरी हो गई, परमानेंट विकलांग वगैरह ऐसे लोग हो गए, इनएबिलिटी आ गई उनके अंदर। तो इन वर्कर ने क्या किया कि कोर्ट में केस कर दिया। मिसेस रीड जो थी एक वर्कर की वाइफ, उसने केस कर दिया वर्कर की तरफ से लियॉन्स एंड कंपनी के ऊपर। बोला कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, उन्होंने डेंजरस चीज़ को ठीक से रखा नहीं जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ हम लोगों को। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर रिफ्यूज़ कर दिया ये प्रिंसिपल लगाने से। बोला कि इसके अंदर दो प्रिंसिपल प्रूव हो रहे हैं लेकिन एक प्रिंसिपल एस्केप जो है वो प्रूव नहीं हो रहा। तो पहला प्रिंसिपल था डेंजरस थिंग, वो तो प्रूव हो गया ये डेंजरस चीज़ थी, इसको ठीक से हैंडल करने की जिम्मेदारी उसी की थी जिसकी है। दूसरा प्रिंसिपल जो एस्केप का है यानी कि ये बाउंड्री से बाहर जाना चाहिए, वो बाहर नहीं गया। तीसरा इसमें नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ ड्रग, तो ये भी प्रूव हो गया नॉन नेचुरल यूज़ भी था, लेकिन एक चीज़ की लग गया इसके अंदर, एक्सेप्ट का प्रिंसिपल लग गया। एस्केपेशन प्रिंसिपल ये होता है जहाँ पर आप कंसर्न दे देते हैं, जहाँ पर आपको पता होता है कि यहाँ पर रिक्स है फिर भी आप वो काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रिंसिपल जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का वो फॉलो नहीं होता है। तो इस केस में ये प्रिंसिपल नहीं लगा। अब ये हमने समझ लिया इसका एसेंशियल डेफिनेशन, अब हम समझेंगे इसका क्या एक्सेप्शंस, ये रूल कब लागू नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ हर समय लग जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पॉसिबल है कि वो ना लगे, आगे जाने लगे, तो कब कब नहीं लगते हैं। पहला, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग या उसका खुद का फॉल्ट हो, जब प्लेंटिव जो है वो खुद ही गलत हो या उसका खुद का भी फॉल्ट हो उसके अंदर, मतलब सारा फॉल्ट जो है वो डिफेंडेंट का नहीं है जिसके ऊपर केस लग रहा है, जो केस लगा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं गलती है। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की वजह से कोई नुकसान जैसे बाढ़ तूफान भूकंप नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कुछ आ जाए उसकी वजह से हो जाए तो उसमें भी ये प्रिंसिपल नहीं लगता है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, प्लेंटिव की कंसेंट अगर पहले से शामिल हो इस काम, उसको पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पड़ोसी ने अपने यहाँ अपने जहरीला पेड़ लगाया लेकिन पड़ोसी को बोला कि भाई तुम ध्यान रखना मैं ऐसे पेड़ आ रहा हूँ इनके पत्तों को कभी इस्तेमाल मत करना, यूज़ मत करना, ले खा मत लेना, ऐसे करके उसने बोल दिया, उसको पहले से ही वॉर्न कर दिया। और पड़ोसी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है आप लगा लो ऐसा पेड़, हमें कोई परेशानी नहीं, हम ध्यान रखेंगे। तो उसकी कंसेंट शामिल थी, जब पहले उसने कंसेंट दे दी तो फिर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा मेरा घोड़ा मेरी बकरी या मेरा कोई जानवर तुम्हारे पत्ते खा के मर गया, ऐसे बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया था। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए कभी उसको नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एलन वर्सेस फ्लेचर वाले केस था, वहाँ पे जो डिजर्वर था वो बनाया किसने था, वो बनाया था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। तो वहाँ पर फ्लेचर ये कह सकता था भाई मैंने तो बनाया ही नहीं, सारा काम तो किसका किया हुआ है, थर्ड पार्टी का किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो आप अगर इसमें ऐसा कुछ गलती हुई। लेकिन कोर्ट ने इसके अंदर प्रिंसिपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर ने तो बनाया है लेकिन काम कौन करवा रहा था, काम फ्लेचर करवा रहा था, उसकी जिम्मेदारी थी, वो निरीक्षण करता उसका, चेक करता, उसको तो पता था कि पड़ोस में जो है माइंस है और माइंस के अंदर पानी जाने से वो ख़राब हो सकती है, तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा था। तो जहाँ पर हाँ प्रिकॉशंस की बात आती है वो हो गया। अब तीसरा है आपका, चौथा सॉरी चौथा है तीसरा, 1 2 3 हाँ चौथा हो गया। स्टैचुरी अथॉरिटी, कानून आपको ऐसा करने की इजाज़त देता है, अगर कानून करने की इजाज़त देता है और फिर किसी का नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस नहीं बनता। या फिर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से आपका नुकसान हो जाए, तो ये हो गया आपके सारे। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट केस है वो भी आपको समझना चाहिए, वो है पॉन्टिंग वर्सेस नॉन किस का केस है। ये केस हुआ था कब, 1849 में हुआ था। यहाँ पर क्या था कि एक व्यक्ति जो था नॉन किस जो था उसने अपनी फील्ड के अंदर कुछ जहरीले पॉइजनस प्लांट लगा दिए। वो हमेशा केयर करता था कि उसके पॉइजनस प्लांट का कोई एक टहनी भी पड़ोसी के यहाँ ना चली जाए, वो उसको ट्रिम कर देता था, ट्रिम कर देता था ताकि पड़ोसी के लैंड में या पड़ोसी के जो भी फील्ड है उसके अंदर वो एंटर ना कर जाए एक पत्ता भी। लेकिन जो ये दूसरा बंदा था पॉन्टिंग, पॉन्टिंग के पास एक हॉर्स था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी उम्दा नस्ल का हॉर्स था। ये अपने हॉर्स से बहुत प्यार करता था, उसको वेल मेंटेन रखता था, उसको ध्यान रखता था हॉर्स का। लेकिन एक दिन इसने हॉर्स को खुला छोड़ दिया टहलने के लिए। हॉर्स ने क्या किया, इसके जो नॉन केस था इसके लैंड में जाकर अपनी गर्दन अंदर डाल कर, मतलब
इसने तो पूरी प्रिकॉशंस ले रखे थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी गर्दन डालकर गेट के ऊपर से उस पॉइजनस प्लांट के पत्ते को खा लिया और खा के वो मर गया। जैसे ही वो मर गया तो नॉन किस को पता था कि इसने तो पॉइजनस प्लांट लगा रखे हैं, और उसने जब देखा तो खा के मरा, तो उसने तुरंत केस कर दिया। पॉन्टिंग पॉन्टिंग ने केस कर दिया नॉन किस के ऊपर कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा मर गया, इतना बढ़िया महंगा घोड़ा था, आप इसके पैसे दीजिए मुझे। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, क्यों, उसने दो प्रिंसिपल तो पूरे कर दिए, डेंजरस थिंग ठीक है, नॉन नेचुरल यूज़ ये भी ठीक है जी है, लेकिन एस्केप तो नहीं हुआ। जब तक एस्केप एस्केप एस्केपेशन नहीं होगा तब तक वो लाइबल नहीं ठहरा सकता। तो उसके जो पत्ते थे वो उसके लैंड तक तो पहुँचे नहीं थे, उसके घोड़े की गलती थी, यानी कि आपके घोड़े ने एस्केप किया, उसकी बाउंड्री के अंदर एंटर किया, अपनी गर्दन डाली। तो फिर अगर कोई नुकसान हो जाता है तो भाई गलती करोगे तो आपको नुकसान हो गई, ये तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, फॉल्ट लाइबिलिटी थोड़ी ना है। तो फॉल्ट लाइबिलिटी होती तो हम मान लेते हैं आपकी बात, तो ये तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। तो नो फॉल्ट का मतलब तो नो फॉल्ट होता है, लेकिन आपके घोड़े ने कैसे अंदर गर्दन डाल दी, तो इसलिए केस यहाँ पर नहीं बना और इसको कुछ भी हर्जाना नहीं मिल पाया। तो ये आपको समझना चाहिए। तो एक और केस है आपका एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड में एक केस आया था निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, 1876 का केस था। यहाँ पर क्या था कि जो मार्शलैंड था वो अपनी ज़मीन पर एक नहीं मार्शलैंड अपनी ज़मीन पर एक वो बना रहा था, डैम बना रहा था, रिजर्वर बना रहा था, नदी बना रहा था, उसको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत थी इस वजह से। लेकिन एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे दिल्ली में बहुत सारी बारिश हो गई, ऐसे बहुत सारी बारिश हो गई, तो इस रिजर्वर का पानी ओवरफ्लो हो गया, जैसे दिल्ली में यमुना जी ओवरफ्लो के सड़कों पर तक पहुंच गई, तो ऐसे इसके रिजर्वर का पानी ओवरफ्लो होकर निकोलस के लैंड में एंटर कर गया। और निकोलस ने अपने लैंड पर कुछ डैम बनाए हुए थे, कुछ बांध बना रखे थे ताकि आगे उसकी फैक्ट्री को नुकसान ना हो, लेकिन वो डैम इस पानी ने तोड़ दिए, तोड़कर उसकी फैक्ट्री में एंटर करके उसकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया। तो यहाँ पे निकोलस ने मार्शलैंड के ऊपर केस कर दिया, बोला कि भाई आपने रिजर्वर बनाया, आपका रिजर्वर का पानी मेरे मेरे लैंड में एंटर कर गया, तो एस्केपेशन हो गया। ये एस्केपेशन कैसे हो गया कि भाई पानी आपका था, मेरे यहाँ पर एंटर किया, तो आपने एस्केप कर लिया, इसलिए आपके ऊपर केस बनेगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। तो कोर्ट ने इस कंडीशन में ये बोला कि भाई यहाँ पे कोई भी केस इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है। तो उसने ये बोला कि भाई तीन एसेंशियल हैं, डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग है वाटर रिजर्वर, कभी भी ओवरफ्लो होकर दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, एस्केप्शन भी हो गया, एस्केप भी हो गया, मेरे लैंड में एंटर कर गया, और ये नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड भी है, यानी कि नेचुरली यहाँ पे कोई नदी तालाब तो था नहीं, आपने खुद ही क्रिएट किए है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि एक्ट ऑफ गॉड है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी जिस वजह से पानी उसमें ओवरफ्लो हुआ और रिजर्वर का पानी ओवरफ्लो होकर आपके लैंड में एंटर कर गया, तो इसलिए भगवान के फॉल्ट के लिए मनुष्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। कुछ और पूछना है इसके अंदर? सर, तो फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर सिर्फ इतना ही समझ लो कि जब मेरी गलती से नुकसान हो जाए किसी को डायरेक्ट, तो मुझे उसका उसको भरना पड़ता है, मतलब उसका भुगतान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके किसी के मतलब मेरी वजह से किसी का गमला टूट जाए, उसका पौधा मर गया, तो वो नुकसान डायरेक्ट लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने वो डायरेक्टली परफॉर्म किया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मैं कुछ डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती से मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जा रहा है, जैसे मैंने अपने लैंड पे पॉइजनस प्लांट लगा दिए, उसके पत्ते दूसरे घर में एंटर कर गए, उसके एनिमल ने उसको खा लिया, वो मर गया, तो इसमें मैंने थोड़ा मारा उसके एनिमल को, लेकिन अगर मैं खुद जाकर उसके एनिमल के सर में डंडा मार दूं तो वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू सर। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इसलिए बताया कि इस बार मुझे ऐसा लग भी रहा है शायद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एग्जाम में पूछ ले आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे असाइनमेंट का। कोई पॉइंट आपको लिखवाने होंगे तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी तो आप रिकॉर्डिंग रोक कर स्टॉप करके फॉरवर्ड करके रिवर्स करके लिख लेना है इसको। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस हुए हैं, केस लॉस भी डिस्कस हुए हैं, उन केस लॉस को भी आप कर लेना, क्योंकि क्यों इस केस लॉस वैसे बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन फिर भी हमें कुछ दो चार ही क्वेश्चन के केस लॉस तैयार करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे केस लॉस हम तैयार करते हैं तो एग्जाम में जाके उनको भूल जाते हैं, तो हमें अपनी तरफ से सिलेक्शन करना होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन का जिसमें हम केस लॉस करके जाएंगे। अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो हम केस लॉस 2 में भी लिख दें तो बहुत है, बाकी तो थ्योरी लिख दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोई डाउट है तो पहले इसी क्वेश्चन के डाउट पूछ लें, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। सर ये तो आ गया समझ, पर जैसे आपके नोट्स में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे इनहेरिटेंस एक्टिविटी, ये तो पहला ही पॉइंट हो गया है ना, मेरे को हाँ सही लगा। हाँ मतलब लिखे हैं नोट्स में भी, लेकिन वहाँ अलग तरीके से लिखे हैं मैंने। हाँ जी, और ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी लिखा है इसमें जैसे। हाँ ये है तो वही चीज़ें, सारी चीज़ें वही हैं लेकिन अलग तरीके से लिखा। अगर आपको ये वाला चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ये वाला जो मैंने लिखा है अभी, नोट्स तैयार किया था ना आज क्लास के लिए, ये वाला भेज देना सर आप, मैं भेज दूंगा आपको ये वाला। क्योंकि इसी उससे पढ़ा था आज मैंने। हाँ आप शॉर्ट नोट भी कह रहे थे बनवाने को। हाँ वही बनवाऊंगा, लेकिन पहले ना एक बार मैं सोचा था सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें ताकि सिलेबस का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। सर आंसर राइटिंग भी आपने कहा था लास्ट क्लास में कि बताएंगे। हाँ बताऊंगा आंसर राइटिंग में आपको अभी, आज पहले हम कोश ये क्लास में सिलेबस कंप्लीट कर लें। एक ओके क्वेश्चन सर, है आपका, व्हाट इज मॉरालिटी, मॉरालिटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड मॉरालिटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ और मॉरालिटी में क्या डिफरेंस है, मॉरालिटी क्या होती है, मॉरालिटी मतलब नैतिकता क्या है लॉ में क्वेश्चन और नंबर बता नैतिकता में। दीजिए क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, नंबर। 13, पहले वाला 8 था, ये 13 है। तो लॉ और मॉरालिटी ये बताइए अब आपने। मॉरालिटी मतलब नैतिकता, ये लॉ से किस तरह से अलग है। सर मोरालिटी जो होता है वो रेफर करता है एक प्रिंसिपल को, वैल्यूज को, और एक स्टैंडर्ड बताता है जो कि गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को और डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, गुड क्या है बैड क्या है, वर्चुअस क्या है इमोरल क्या है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मोरालिटी। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो ये लॉ जो होता है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल कह सकते हैं, जो कि लेजिस्लेचर लेके आया है, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया है, जुडिशरी ने जजमेंट पास करा हुआ है, तो वो लॉ होता है हमारा। जरूरी नहीं है कि जो चीज लॉफुल है हमेशा वो चीज मॉरल भी हो, या फिर जो चीज मॉरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसमें लॉ का भी रोल हो। तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान डूब रहा था, मुझको तैरना आता है, मैंने उस इंसान को धक्का नहीं मारा था कि वो डूब जाए, लेकिन वो डूब रहा था, तो मोरालिटी कहती है कि मुझे उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन मैंने स्वार्थ में आके उसकी जान नहीं बचाई, उसको इग्नोर करके चली गई। तो लॉफुली देखा जाए तो ये चीज गलत नहीं है, लॉ की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने उसको धक्का नहीं दिया था, लेकिन मोरालिटी की दृष्टि से देखा जाए तो वो चीज मॉरली रॉन्ग है। मॉरलिटी मतलब आदमी के जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम मॉरलिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन, जैसे असाइनमेंट में भी लिखी हुई है, मॉरलिटी रेफर टू द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डेट गाइड द ह्यूमन बिहेवियर एंड डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, एंड वेरियस सॉरी वर्चुअस और इमोरल। मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सही है या गलत है, या फिर ऐसा कौन सा व्यवहार है जो ठीक है। अच्छा व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, उसकी डेफिनेशन जो है अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि हर जो एक ही तरह का व्यवहार ठीक हो, करेक्ट हो। हो सकता है वही व्यवहार किसी सर्टेन कंडीशंस के अंदर करेक्ट हो लेकिन किसी कंडीशन के अंदर इनकरेक्ट हो जाए। तो मॉरालिटी का मतलब है कि आपको समय के हिसाब से सही व्यवहार करना। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ ऑफ द जजमेंट अबाउट हाउ इंडिविजुअल शुड कंडक्ट देमसेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स एंड सोसाइटी एट द लार्ज। एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक व्यक्ति के प्रति और सोसाइटी एज अ लार्ज यानी सोसाइटी के प्रति क्या है वो समझना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमें मॉरालिटी का जो प्रिंसिपल है वो आपको बेसिकली ये डिफरेंस बताता है कि राइट और रॉन्ग में क्या अंतर है, गुड और बैड में क्या अंतर है, और किस तरीके का बिहेवियर बैड बिहेवियर होता है और किस तरह का बिहेवियर गुड बिहेवियर होता है। तो बेसिकली अगर मॉरलिटी का जो कंसर्न है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल दोनों से, दोनों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है मॉरलिटी जो है वो।
अच्छा, मॉरल्टी जो है वो ड्यूटी बाउंड भी नहीं है। ड्यूटी बाउंड मतलब ये बाउंड बाय लॉ नहीं है कि कानून आपको ऐसा करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में ऐसे जो हमें कानून मजबूर करता है, तो हमें उनको अपनाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा लॉ होता है जो हमें बताता है कि आपको ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं जाना, वैसा नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए मॉरालिटी कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है आपको क्या है। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ क्या है? लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है या प्रिंसिपल्स हैं कैरिड एनफोर्स बाय द स्टेट, रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट। ये क्या करते हैं आपके, रेगुलेट करते हैं स्टेट्स को या ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। तो लॉ क्या है आपका? सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स है जो नियम से बना हुआ है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एनफोर्स बाय लॉ है, मतलब जो जबरदस्ती स्टेट आपके पास थोप रहा है वो कानून है। लेकिन मॉरालिटी को बोल रहे हैं तो मॉरालिटी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियर्स हैं आपका, स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, ये सब के बारे में जानकारी देता है। ये आपको फोर्स नहीं करता कि आपको ये करना ही करना है, ये आपको बताता है। ये टॉर्च की तरह है जो रोशनी देता है, जो बताता है कि यहाँ गड्ढा है, देख के चलना। तो ये मॉरलिटी है। लेकिन लॉ कहता है कि भाई गड्ढा है, लेकिन गड्ढे में से ही जाना पड़ेगा तेरे को, तू बिना गड्ढे को अवॉइड करे जा नहीं सकता। तो ये लॉ है, लॉ आपको ज़बरदस्ती मजबूर करता है वो काम करने के लिए, जो आप नहीं भी करना चाहते तो भी आपको वो काम करना पड़ता है। अब लॉ क्या है आपका? एक्सटर्नल सोर्स है। लॉ कैसा सोर्स है हमारा? एक्सटर्नल सोर्स है। तो एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स में क्या फ़र्क रहता है? सर, एक जो जरिया है, सोर्स है, वो बाहर से हमें मिल रहा है, यानी कि लेजिस्लेचर ने बाहर की सोसाइटी को देखते हुए हमें लॉ बना के दिया, बाहर से हमने फॉलो किया। लेकिन जो मोरालिटी है वो एक इंटरनल सोर्स, यानी कह सकते हैं कि हमारे मन में, आई थिंक ये सिवाय ने ये चीज बोली थी कि ये हमारे मन में मोरालिटी होती है कि क्या गलत है क्या सही है, ये हमारा खुद का कॉन्शियसनेस कहता है फॉग गेज थ्योरी के अकॉर्डिंग। मतलब ये रूल्स हैं जो हमारे डिसाइड कौन कर रहा है, हमारी स्टेट कर रही है, जो एनफोर्स हमारी स्टेट कर रही है हमारे ऊपर, ये सेट ऑफ रूल्स हैं। अच्छा, मॉरालिटी जो है वो इंटरनल है, वो हमारे अंदर से भावना पैदा होती है कि भाई आपको मानव धर्म का पालन करना चाहिए, मानवता, ह्यूमैनिटी आपको करनी चाहिए। ये सब हमारे इंटरनल फीलिंग्स हैं। जो लॉ है आपका, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है सेम फॉर ऑल, वो सबके लिए समान रहता है कानून। लेकिन जो मॉरालिटी है वो सबके लिए समान नहीं, वो सब्जेक्टिव है, और डिफरेंट पीपल और डिफरेंट मॉरालिटी हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मॉरालिटी हो सकती है। पनिशमेंट जो लॉ है वो, अगर आप इसका वायलेशन करते हो, इसका पूरा नहीं करते, तो आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन मॉरलिटी में तो नो पनिशमेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई पनिशमेंट आपको दे नहीं सकता। हाँ, गिल्ट फीलिंग जरूर हो सकती है आपको, मतलब आपकी आत्मा आपको कह सकती है कि भाई आपने गलती की है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बोले कि कानून आपको सजा दे दे कि आपने मॉरलिटी का पालन नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि घर में हमारा कोई गेस्ट आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है, तो हमारी मॉरलिटी ये कहती है कि हम उनको प्रणाम करें, नमस्ते करें, जो भी हमारा संस्कृति है वो करें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हमें फांसी की सज़ा मिलेगी या हमें कुछ और सज़ा मिल जाएगी? तो ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई पनिशमेंट होना। ये लॉ बाइंडिंग तो है ही नहीं कि लॉ ने हमारे को ज़बरदस्ती ये काम करवाया। रेगुलेट बाय द स्टेट, लॉ को हमेशा रेगुलेशन कौन करता है? स्टेट करती है। लेकिन मॉरलिटी को कौन रेगुलेट करता है? सोसाइटी करती है, समाज करता है। तो लॉ जो है वो स्टडीड अंडर द जुरिसप्रूडेंस, लॉ को जुरिसप्रूडेंस के अंदर पढ़ा जाता है, और मॉरालिटी को एथिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, स्टडीड अंदर एथिक्स। ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया, जो एग्ज़ाम में आता है आपको लॉ और मॉरालिटी में क्या डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बिटवीन लॉ एंड मॉरालिटी। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरालिटी, लॉ और मॉरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले रिलेशन क्या है इसका? मॉरल इज बेसिक ऑफ द लॉ। कई लॉ के सोर्सेज जो है वो मॉरल्स हैं, मॉरल से लॉ निकलता है, लॉ से मॉरल्स नहीं निकलते, ये आपको समझना पड़ेगा। मॉरल जो है वो टेस्ट भी करता है लॉ को, लॉ को टेस्ट करने का भी मीडियम जो है वो मॉरल है। मॉरल एज अ एंड ऑफ लॉ, अगर लॉ कहीं पे एंड होता है तो वो मॉरलिटी पे जाकर ही एंड हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों की आपके रिलेशनशिप में आप इसको डिफाइन कर देना तो आपका लॉ बन जाएगा। अब लॉ के और मॉरलिटी के, अब इसमें सोर्सेज ऑफ नेचर, पहले हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं, मॉरलिटी के सोर्सेज क्या हैं।
तो क्या सोर्सेज हैं आपके लॉ के और मॉरलिटी के? सर लॉ का सोर्स तो यही हो सकता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, उसने लॉ बनाया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, पीआईएल वगैरह होता है, तो इन सब से लॉ का एक सोर्स निकल के आता है हमारे पास। उसके बाद जो मोरालिटी होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स तो समाज ही होता है, सोसाइटी, उसकी थिंकिंग क्या है, लोग क्या ऐसा सोचते हैं। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफर कर सकती है, एक एरिया की सोसाइटी एक दूसरे एरिया की सोसाइटी से डिफर कर सकती है, एक टाइम की सोसाइटी दूसरे टाइम की सोसाइटी से डिफर कर सकती है। तो मोरालिटी में बेसिकली यही होना चाहिए सोर्स ऑफ लॉ। तो सोर्स ऑफ लॉ में हम पहला अगर पढ़ें तो लॉ का अगर पढ़ते हैं तो लॉ क्या है? एक रेगुलेशंस, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारा लेजिस्लेशन डिसाइड करता है, हमारा लीगल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, एग्जीक्यूटिव अमल डिसाइड करती है और जुडिशरी इसका फॉलो कराती है। अच्छा, ये लॉ जो होता है कोडिफाइड होता है। कोडिफाइड मतलब ये रूल्स जो हैं आपके लिखित में हैं, सेक्शन सब सेक्शन में डिवाइडेड है, कोडिफाइड है, जो इंडिविजुअल के ऊपर बाइंडिंग है, सभी के ऊपर है, इक्वल है सबके लिए। अगर हम मॉरलिटी की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू से डिसाइड होता है जो मॉरलिटी है। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर जो होता है या आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है उसे इफेक्टेड होता है ये। यहाँ पे रॉन्ग, गुड और बैड, राइट, इनकी जो नॉलेज दी जाती है आपको, ये कॉडिफाइड नहीं होता है जो मॉरलिटी है। ये सोर्सेज जो हैं इसके, वो कल्चर, रिलीजियस या इंडिविजुअल बिलीव्स जो होते हैं वो इसके सोर्सेज हैं। अब हम एनफोर्समेंट की बात करें तो लॉ को इन्फोर्स कौन करता है और मोरालिटी को इन्फोर्स कौन करता है? लॉ को इन्फोर्स कौन करता है? लॉ को इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटी हमारी सोवरेनिटी है, स्टेट है, हमारी लेजिस्लेशन है, हमारी एग्जीक्यूटरी है, ये एग्जीक्यूट करती है लॉ को। तो लॉ के इन्फोर्समेंट के पीछे ये पावर है जिसे हम लोग लीगल पावर्स या लीगल पैनल्स भी कह सकते हैं इनको। मॉरलिटी कौन इन्फोर्स करता है? तो मॉरलिटी इन्फोर्स करने की पावर किसके पास है? सोसाइटी के पास कौन है, हाँ, कम्युनिटी के पास है या इंडिविजुअल रिलेशनशिप के पास है, यही इसको लागू करते हैं, इन्फोर्स करते हैं मॉरलिटी को। अब यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी का मतलब ऐसा चीज़ जो यूनिवर्सली लागू हो जाती है सबके लिए एक समान। तो यानी कि लॉ की अगर हम बात करें तो स्टेट ने लॉ बनाया, ठीक है, और एप्लीकेबल हो रहा है यूनिवर्सली, यानी कि सभी के ऊपर इक्वल लॉ है, सबके ऊपर इक्वली लागू हो रहा है। ये बिहेवियर को डिसाइड करता है, जो लॉ होता है वो आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है। और अगर हम इसके अपोजिशन में बात करें मॉरलिटी की, तो मॉरलिटी को तो हमारा स्टेट तो लागू नहीं करता, तो मॉरलिटी को कौन लागू करता है? ये सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल रिलेशंस और सोसाइटीज़ के ऊपर, सोसाइटीज़ को लागू करती हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, तो इसकी जानकारी हमें लॉ से ज़्यादा मॉरलिटी से मिलती है। मॉरलिटी हमें एथिक्स वैल्यूज़ भी कंसिडर, मतलब वो भी सिखाता है उसके बारे में, इसके स्कोप और रेगुलेशंस क्या हैं, स्कोप ऑफ रेगुलेशंस कैसे लागू होता है। तो लॉ की बात करें तो टिपिकली अगर लॉ को लागू करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिविल, क्रिमिनल, इस तरीके के लॉज होते हैं, इनको लागू करने की पावर होती है वो एग्जीक्यूटरी के पास होती है, इसको बनाने की पावर लेजिस्लेशन के पास यानी कि स्टेट के पास होती है, और इसको फॉलो करते हैं सभी, सोसाइटी एज अ होल इसको फॉलो करती है। अगर हम मॉरलिटी की बात करें तो मॉरलिटी का जो प्रिंसिपल है या जो उसका रूल्स है वो हमारी सोसाइटी से निकलता है, समाज से निकलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से निकलता है, या फिर हमारी जो एथिक्स होते हैं, जो हमारे पुराने जो कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, धर्म शास्त्र हैं, वेद हैं, इन सब से मॉरलिटी का जन्म होता है। इंडिविजुअल, प्राइवेट और पब्लिक मॉरलिटी, इंडिविजुअल और प्राइवेट तो एक ही है, और पब्लिक मॉरलिटी, तो मॉरलिटी तीन तरह की है, तीनों सॉरी दो तरह की मॉरलिटी है, जिसे हम इंडिविजुअल कह लें या प्राइवेट मॉरलिटी कह लें या दूसरा पब्लिक मॉरलिटी कह लें। तो इसमें फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क क्या है बताइए। कल हम एक काम करेंगे, कल जुरिस्प्रूडेंस की लास्ट क्लास रहेगी तो हम इसको थोड़ा सा लेट आवर में शुरू करेंगे और कल पूरा जितना भी बचा है सिलेबस सारा कंप्लीट कर देंगे, प्लस जो आज कराना था, वैसे जो मेरी कल की क्लास हो नहीं पाई थी, कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, पर्सनल काम से कहीं जाना था, तो वो हम कल कर लेंगे, दोनों चीज़ें एक ही क्लास में, लंबी क्लास करेंगे, उससे हम लेट शुरू करेंगे थोड़ा सा क्लास को,
और फिर लेट के बाद जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा सिलेबस तब तक हमारी क्लास चलती रहेगी, चाहे 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो। तो आप लोगों के हिसाब से कितना टाइम आपको कन्वीनियंट है शुरू करने का? सर कैसा भी टाइम हो, बस हमें टाइम चाहिए ताकि मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए. आई एम कंफर्टेबल विद एनी टाइम यू विल अपॉइंट. और किसी को, मैंने हम लोग दिन में नहीं करेंगे इसको, रात में करेंगे। तो रात में आपको क्या टाइम कन्वीनियंट है, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे? मे भी मुझे लगता है 2 घंटे क्लास भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन हम लोग कल जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ट्यूसडे को तो आपका एग्ज़ाम ही है, सिर्फ इसके बाद एक ही दिन बचेगा मंडे का। सर किसी भी टाइम रख लीजिए क्योंकि कल तो क्लास बहुत जरूरी है. आप जो टाइम बोलेंगे हम अवेलेबल रहेंगे. बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ लोग वर्किंग होते हैं ना, उनको आने में जैसे रहता है कि, वैसे तो कल संडे है, वो प्रॉब्लम काफ़ी कम लोगों के साथ होगी, लेकिन फिर भी कुछ होता है कि हमें दिन में यहाँ जाना है या कुछ और काम है पर्सनली, तो एक टाइम डिसाइड करके हम लोग आज कर लेंगे तो उससे ये होगा कि कल हम एक लंबी क्लास करके जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं अब तक वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो सबकी एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपके पास। तो एग्ज़ाम से पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो वो पर्टिकुलर पार्ट आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो उससे आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सर 8 to 10 रख लीजिए. ओके, और किसी का कोई ओपिनियन? ठीक है सर 8 to 10 भी ठीक है. तो बाकी सबको कन्वीनियंट है 8 to 10 में? ठीक है, फिर एट यस टू सर. टेन करेंगे, 8 to 10 का टाइम रख लेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फिर बता दूंगा। वैसे मैं आपको मैसेज आज ही कर दूंगा क्लास का ना, ताकि सब लोगों को पता रहे, और कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी जो स्टूडेंट्स की, उसके बाद मंडे आपके पास अपने पढ़ने का रहेगा। कुछ भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूजडे आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा इसका, डेफिनेटली एग्ज़ाम होने ही जा रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है, तो लगता है कि एग्ज़ाम शायद होने ही जा रहा है आपका। और 18 को अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा तो 2 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे आपके खत्म, एनवायरमेंट और जुरिसप्रूडेंस, 3 ही पेपर की टेंशन रहेगी। पता लगा इसको भी इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया और कुछ ऐसा बना दिया कि एक ही दिन की छुट्टी मिले, लगातार 1 वीक में सारे एग्ज़ाम लेकर कंप्लीट कर दें, तो इसलिए अच्छा है। उसके बाद फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कराई दी है आपको, तो उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना, और मुस्लिम लॉ फिर हम इसकी क्लास बाद में करेंगे इसके एग्ज़ाम होने के बाद। तो अब हम बैक टू पॉइंट आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर दोबारा वापस। तो हम कर रहे थे इंडिविजुअल, प्राइवेट और पब्लिक मॉरलिटी, तो इस मॉरलिटी में क्या फ़र्क है, मतलब इंडिविजुअल, प्राइवेट मॉरलिटी और पब्लिक मॉरलिटी, जैसे वर्ड से डिफाइन हो जाता है। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पब्लिक मतलब पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो नैतिक कर्तव्य होते हैं हमारी मॉरलिटी, अगर हम नैतिक कर्तव्यों की थ्योरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये थ्योरी हमारी सामाजिक मूल्यों के वेदों से निकलती है, वेद शास्त्र से निकलती है। तो वेद शास्त्र के अंदर हमें दोनों तरह के व्यवहार बताए गए हैं, पर्सनल जिंदगी में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और सोसाइटी एज अ होल हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस दोनों की चीज़ में क्लियरली जो है बताया गया। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर का नुकसान होता हो। उसको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो सोसाइटी के, कल्चर के, कस्टम्स के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, रिलीजन्स के भी अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी बन जाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करे, वो अपने उसको सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे और अपने स्पिरिचुअल पावर्स, वेद जो हैं, ये धर्म शास्त्र जो हैं, इनकी रक्षा करे। तो ये उसकी मॉरालिटी है इंडिविजुअल की। अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक एज ए मॉरालिटी की बात करें तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं सोसाइटीज़ के, जो हमारे पब्लिक एज ए होल या सोसाइटी एज ए होल एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो सोसाइटी को कवर करता है। तो हमें ऐसा बिहेवियर करना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी को एक मॉरल एजुकेशन मिल सके, मतलब हमारे व्यवहार से कोई कुछ सीख सके। तो यहाँ पे हमारे एथिकल्स मील्स जो होते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसिंग पावर्स जो होते हैं, वो रिलीजन, सोशल, कल्चर, वेद, कस्टम्स, ये सब के अंदर शामिल करना चाहिए हमें अपने व्यवहार को। और हमें कोई भी एसोसिएशन बना रहे हैं जो सोसाइटी की है, समाज की है, कम्युनिटी की है, तो उसका कोई भी बिहेवियर कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ना हो। तो पब्लिक मॉरलिटी हमें गाइड करती है कि आपको फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ किस तरह करना है, मतलब लॉ बनाने की भी नॉलेज पब्लिक मॉरलिटी देती है आपको,
इस तरह से रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी किस तरह से होनी और एड्रेस करती है कलेक्टिव नीड्स और एस्पिरेशंस को। ये हमारा कंप्लीट हो गया इंडिविजुअल पब्लिक मोरालिटी। एक क्वेश्चन आपका और है इसके अंदर, सुप्रीम और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये असाइनमेंट का कुछ ना क्वेश्चन एक बार मैं देख के आपको बताया था। सर क्वेश्चन 14 ये तो प्रिसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन 14 दो रखे हैं गलती से, दो पे 14 डाला हुआ। प्रेसिडेंट से पहले वाला। प्रेसिडेंट से पहले हमारा सबोर्डिनेट और सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये से मतलब डिफरेंशिएशन क्या है सबोर्डिनेट और सुप्रीम के अंदर, क्या डिफरेंशिएशन है? फिर जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है उसको हम लोग प्राइमरी लेजिस्लेशन या फिर प्राइमरी लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेफर करता है लॉ दैट आर एनैक्टेड बाय, जो कि एनैक्ट किए जाते हैं हाईएस्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा विद इन अ जुरिस्डिक्शन। दिस अथॉरिटी इज टिपिकली वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ओरिजिन निकलता है, या फिर एक लेजिस्लेटिव बॉडी से लॉ का ओरिजिन निकलता है, लेजिस्लेशन का ओरिजिन निकलता है। विद द पावर टू मेक लॉ, एक पावर लॉ बनाने की, एक ऐसा लेजिस्लेशन, वो होगा सुप्रीम। अब जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है उसमें रेफर किया जाता है जब एक लॉ बनता है बाय अथॉरिटीज या फिर बॉडीज के द्वारा दैट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द सुप्रीम लेजिस्लेशन। यानी सुप्रीम लेजिस्लेशन जैसा कि नाम है वो सबसे सुप्रीम है, उससे अगर कोई लॉ डायरेक्टली डिराइव हुआ तो वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाएगा, या फिर उस सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा बनी गई किसी बॉडी से वो लॉ निकल के आ रहा है तब वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, वैसे अभी ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसका आपको। सालमोन की सालमोन ने मतलब ये डिफाइन किया था सुप्रीम और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसकी जो डेफिनेशन है या इसका डिवीजन जो है वो सालमोन के द्वारा किया गया था। सुप्रीम लेजिस्लेशन का मतलब है अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सा है इंडिया के अंदर? हमारी लोकसभा सुप्रीम लेजिस्लेशन पावर है उसी के पास है ना, लोकसभा के पास है। और अगर हम सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का बात करें तो जो हमारी विधानसभा होती है वो हमारी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो आपकी लोकसभा के अंदर काम करती है। देखो सबसे ऊपर वैसे यहाँ पे राज्यसभा है, सबसे बड़ा हाउस कौन सा है? राज्यसभा है। उसके बाद कौन सा हाउस है? आपका लोकसभा। लेकिन सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो लोकसभा है। क्यों ऐसा बोला है इसमें? क्योंकि सर एक का जो ओरिजिन है वो डायरेक्टली जो सुप्रीम है उसमें से निकला है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक का जो ओरिजिन है वो निकला हुआ है जो कि सुप्रीम की बनाई हुई कोई बॉडी है उसमें से, तो वो सबॉर्डिनेट हो गया। देखो लेजिस्लेशन बॉडी होती है जो लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बनाती है। तो हमारी कंट्री के अंदर लॉ कैसे बनता है? सबसे पहले उस लॉ का प्रपोजल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर बैठ के डिसाइड करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो उसको लोकसभा में बिल को पेश किया जाता है। तो सबसे पहला बिल किसी भी कानून को बनाने के लिए कहाँ पर आ रहा है? लोकसभा में आ रहा है। तो इसलिए हमारी सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है वो लोकसभा है। उसके बाद लोकसभा से जब बिल पास हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली पास हो गई क्योंकि सरकार जिसकी, जैसे मोदी जी है सरकार में तो मेजोरिटी भी उन्हीं के पास है, उससे पहले मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो मेजोरिटी भी उन्हीं के पास थी, तभी तो वो सरकार में थे, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। यही थ्योरी है हमारी डेमोक्रेसी की। तो इसका मतलब जो भी बिल लेके आएंगे वो पास हो गई, तो लोकसभा से पास होकर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा सेकेंडरी में आ गया ना, उसके बाद वो राज्यसभा में जा रहा है। फिर राज्यसभा अगर उस बिल को पास कर देती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी कंसर्न मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है, फिर वो लॉ हो जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव के पास जाके वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं लॉ को, फिर जुडिशरी उसको देखना शुरू कर देती है कोई वॉयलेशन ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा, और होता है तो उसकी सजा देना शुरू कर देती है। तो ये पूरा हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस, सबसे बड़ी हमारी जो सुप्रीम लेजिस्लेशन हो गई वो हो गई आपकी लोकसभा। अगर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो वो भी कानून बनाती है लेकिन
बड़े कानून जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन बनाता है, छोटे कानून जैसे हम म्यूनसिपल लॉस कह सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जो हमारी चीज़ें यूज होती हैं उससे जुड़े जो कानून होते हैं वो बनाती है। ये हमारी पंचायत भी हो सकती हैं, वो भी लॉ मेकिंग बॉडी, वो भी कानून बनाती है। हमारी म्यूनसिपैलिटीज भी हो सकती हैं, वो भी कई तरह के सेट ऑफ रूल्स निकालती हैं कि आपको घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना, आपको जो है वो साफ सफाई रखनी है, या बार बार जो हमारे आजकल जैसे अब डेंगू का सीजन चल गया है तो MCD की तरफ से एक बंदा आएगा चेक करने, आपने घर में कहीं कूलर में पानी तो नहीं भर के छोड़ रखा, आपने प्लांट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रखी कि मच्छर पैदा हो रहे हैं और डेंगू फैल जाए जिससे। तो ये सब काम MCD का सेट ऑफ रूल्स बनाने का, तो वो भी लेजिस्लेशन बॉडी है लेकिन सबोर्डिनेट है। तो ये फ़र्क है सुप्रीम और सबोर्डिनेट में। तो ये मैं आपको अगली क्लास में आप डिटेल में कराऊंगा, अभी तो मेरी एक क्लास और वेट करेगी। तो अभी आप यही समझ लो कि सुप्रीम सबोर्डिनेट ये होता है। तो अब हम अगले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे और कल हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं। अप्रॉक्स मुझे लगता है 4 या 5 क्वेश्चन ही बचे होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं होंगे, फिर भी जितने क्वेश्चन बच गए सारे कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने चाहिए, वो भी मैं आपको कल बता दूंगा क्लास में कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपको लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये सब मिला के कल हमारा जुरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और कल हम आंसर राइटिंग पैटर्न और ये सब भी कल कर लेंगे, और कैसे क्वेश्चन के जो हम पॉइंट बनाते हैं याद करने के लिए वो भी मैं आपको कल बता दूंगा डिटेल में। ओके, कोई डाउट आपके? नो सर, नो ठीक सर। है, जिसको वो नोट्स चाहिए थे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा, मिल जाएंगे। ठीक है सर। ओके।